आप देख रहे हैं SPN9 News और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल अब बज चुका है। आज पहले चरण का मतदान 20 राज्यों में हुआ और 20 राज्यों की 91 सीटों पर आज जो है वो मतदान हुआ है। बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मतदान हुआ है और मेघालय में शाम 5 बजे तक करीब 62% वोटिंग जो हुई है वो काफ़ी ज़्यादा, एक समय ऐसा लग रहा था कि 70-80% तक वोटिंग होगी, लेकिन इस बार पूरे तरीके से पूरे समीकरणों को पलटा दिया है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो जमकर जन सैलाब उमड़ा है। पूरे देश की बात की जाए तो इस बार पूरा देश ये चाहता है कि वो वोट दे और जो सही है उसे चुना जाए। लेकिन पूरी सुर्खियां बटोरी यहां पर गुरुवार को, एक तरफ तो वोटिंग हुई हुई पहले चरण की, लेकिन सुर्खियां बटोरी कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी। जी हां, सोनिया गांधी जिनकी तबीयत बीते सालों नासाज रह रही थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी साफ तौर पर प्रकट हो चुकी है रायबरेली में। पिछले 20 साल से भाजपा कांग्रेस के इस अभेद किले को भेद नहीं पाई। रायबरेली जैसे ही पर्चा दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने सोनिया गांधी पहुंची, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। यहां पर दुनिया के सभी और देश के सभी राजनीतिक दल सभी जानते हैं कि एक ऐसा गढ़ है अमेठी, रायबरेली ऐसे दो गढ़ हैं जो कांग्रेस के लिए एक ऐसे किले हैं जिन पर वो आसानी से जीत दर्ज कर सकते। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो 2014 में जो चुनाव हुए थे वहां सोनिया गांधी रायबरेली से सीट जीती थी और रायबरेली में उनको एक बेहतरीन जीत जो है वो हासिल हुई थी। इस बार सोनिया गांधी को पूरे तरीके से वोट मिले थे, अगर साल 2014 के आंकड़ों से अगर आपकी आप रूबरू कराएं तो करीब 63.64% वोट रायबरेली की तरफ से उनको मिले थे। हालांकि थोड़ा आंकड़ा कम जरूर हुआ था क्योंकि उस दौरान मोदी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद पूरे समीकरणों को पलटा दिया था यहां पर सोनिया गांधी ने। 5,26,434 वोट एक तरफा मिले थे यहां पर सोनिया गांधी को रायबरेली से। कुल मिला के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन के हैं वो हैं 8,25,136, जिसमें से 5,26,434 जो वोट्स हैं रायबरेली के वो सोनिया गांधी को साल 2014 में मिले थे। अब समझ में ये नहीं आता कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की आंधी आई है, सोनिया गांधी के साथ उनके परिवार के और लोग मौजूद थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थे, तो जिस प्रकार से सोनिया गांधी की आंधी है, क्या इस बार गांधी फैक्टर प्ले करेगा कांग्रेस के लिए या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की लहर चलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रिस्पॉन्स रायबरेली में यहाँ पर मिला है सोनिया गांधी को, जिस तरह की चीजें देखने को मिली है रायबरेली की तरफ से, एक बड़ा रिस्पॉन्स, एक दाई माँ का दर्जा इनको यहाँ पर प्राप्त है सोनिया गांधी को। और सोनिया गांधी भी ये बात जानती हैं कि रायबरेली से अगर वो जीत गई तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक ऐसी हार दे देंगी जो शायद लंबे समय तक मोदी अमित शाह को भी चुभेगी। हालांकि पूरे तरीके से जो समीकरण है वो पूरी तरह से पलटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि करीब 60% यहाँ पर मतदान हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो अपडेट आ रही है वो ये है कि यूपी में 5 बजे तक के जो आंकड़े थे, कल शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े थे, वहां पर करीब 60% का मतदान इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुआ था। लेकिन जिस तरह से लाखों करोड़ों की भीड़ वहां पर मौजूद रही, रायबरेली की हम बात कर रहे हैं, पर्चा दाखिल स्मृति ईरानी ने भी किया, लेकिन रोड शो दोनों ने किया, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी के लिए पूरी तरह से भीड़ उमड़ी, जो जनसैलाब उमड़ा वो वाकई में दर्शनीय था, वाकई में दर्शाता था कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो है वो अब पूरे तरीके से इस बार तैयार है। सोनिया गांधी पूरी तरीके से बीजेपी को ऐसा सबक सिखाना चाहती हैं जो शायद याद रखें, क्योंकि अभेद किला है रायबरेली, यहाँ पर किसानों का मसला भी है और कहा जाता है कि कांग्रेस की बात, मतलब लोगों की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से सुनती है और बहुत तेजी से यहाँ पर विकास होता है। लेकिन विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा और रोजगार के लिए अगर बात की जाए रायबरेली में, तो इस बार रोजगार भी एक अहम मुद्दा है।
नोटबंदी और जीएसटी से जो छोटे कारोबारी परेशान हुए हैं वो भी शायद सबक सिखाएंगे। हालांकि रायबरेली इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी ये बात जानते हैं कि रायबरेली को हम यहाँ पर जीत नहीं सकते और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी सीटों में से एक है वो रायबरेली भी है, और अगर रायबरेली जीतना है तो फिर आपको एक बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की इस रैली ने, इस रोड शो ने, इस नामांकन ने बीजेपी की नींद तो उड़ा दी है, और अब देखना है कि आखिरकार आगे चलकर क्या परफॉर्मेंस होता है, कि आगे चलकर क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये वाकई में एक देखने लायक बात होगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल SPNI News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।